जैसे हम सब जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको, जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इस फॉर्मेट को मैच कर रहा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रहा है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, वो सारे इस फॉर्मेट से मैच कर रहे थे, और हमारे पास सब कुछ फाइनली सॉल्व होकर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2, ऐसे हमारे पास आंसर आते थे, प्लस में माइनस में दोनों माइनस में, कभी कभी फ्रैक्शन में भी आंसर आया है हमारा। तो हमने क्या किया था कि पहले वाले आंसर को नाम दिया था अल्फा और दूसरे वाले आंसर का नाम दिया था बीटा, ठीक है, राइट। तो ये हमारे क्या थे, रूट्स थे। रूट क्या होता है मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये हमारे रूट्स थे, या आप बोलो तो ज़ीरोस थे या फिर सॉल्यूशन थे। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यू है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा, हमारे पास अल्फा होगा और बीटा होगा, और आपको इन दोनों की हेल्प लेकर इन दोनों से क्या बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन बनाना है, ये हमारा आज का काम रहेगा। अब क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू तो ढूंढनी नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे ही आपको a, b, c की वैल्यू मिल जाएगी, आप क्या करना, इसमें रख देना, तो आपके पास ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अल्फ़ा और बीटा से कुछ प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ ना कुछ करके हमें अल्फ़ा और बीटा से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम क्या करेंगे, इस फ्रेम में रख लेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये था आपका थियरी वाला पार्ट, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये थियरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको, देखो अब अल्फा और बीटा से आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा से आपको ए फाइंड करना है, अल्फा और बीटा से बी फाइंड करना है और अल्फा और बीटा से आपको सी फाइंड करना है। तो ये अल्फा और बीटा का ए बी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो हम ए बी सी निकाल पाएंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा का ए बी सी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, तभी तो हम अल्फा बीटा सी, अल्फा बीटा से ए बी सी फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपना कोई तरीका तो लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो कनेक्शन है इनका, फॉर्मूले बने हुए हैं ऑलरेडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की ए बी सी से क्या रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन आपको बहुत ही काम लगेगी, जब भी आपको क्वेश्चन से आंसर में जाना है तो आपकी रिलेशन को हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दो रिलेशन है, यहाँ पे आपकी दो रिलेशन है, एक है एडिशन वाली रिलेशन और एक है मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को प्लस कर लेते हैं, जिनको बोला जाता है सम, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरो। और एक रिलेशन है वो मल्टीप्लाई वाली है, मतलब अल्फा को बीटा से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई को मैंने आपको क्लास 9 में जब फिजिक्स पढ़ाया था बताया था कि हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो दो तरह की रिलेशन है, अभी रिलेशन से हमें ए बी सी कैसे मिलेगा, तो अगर आप अल्फा को बीटा से प्लस करते हो तो ये इसका आंसर माइनस बी बाय ए के बराबर आता है,
और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सी बाय ए के बराबर आता है। तो ये हमारी फंडामेंटल रिलेशन है। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन करूँगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये थियरी का पार्ट है। मैं थियरी आपको इतना स्लोली और डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी थियरी के बेस पे एमसीक्यू आता है बहुत ही ट्विस्ट किया हुआ। तो अगर आपको थियरी का नॉलेज नहीं है तो आप वो एमसीक्यू को डील नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस पोर्शन के अंदर हमें क्या करना है, आंसर नहीं ढूंढना है, आंसर आपको दिए रहेंगे और आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब क्वेश्चन फ्रेम करना है मतलब हमें ax² प्लस bx प्लस c ढूंढना है। अब x की वैल्यू तो आपको ढूंढनी नहीं है, मतलब बचा क्या आपके पास, a b और c, मतलब हमें इनडायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा आपके पास हैं और आपके पास ए बी सी ढूंढने के लिए बोला गया है, तो अल्फा और बीटा का ए बी सी के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे। तो आप देख सकते हो ये अल्फा और बीटा का बी और ए के साथ कनेक्शन कैसा है और अल्फा और बीटा का सी और ए के साथ कनेक्शन कैसा है। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, आपको ये बहुत काम में आएगा। मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन आपको इसी के बेस पे मिल जाते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में कैसा होता है कि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग दिए रहते हैं और कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा बोल दिया होता है कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो 1/2 है या 3 है या 4 है या 7 है या 10। तो कभी कभी आपको सम करके ऑलरेडी दिया रहता है और कभी कभी आपको सम नहीं किया दिया रहता, दोनों की वैल्यू अलग अलग दी होती है, तो आपको सम करके फिर सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब तो हम देखेंगे कि क्या है, क्या दोनों की वैल्यू दी हुई है या क्या हमें सम बना कर दिया हुआ है या मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो ये आपका थियरी वाला पार्ट पूरा हुआ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें अल्फा की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1/2 और बीटा की वैल्यू ले रहा हूँ 1/3, ठीक है? मतलब ये हमारा आंसर हुआ, ये आंसर दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास रिलेशन थी, फर्स्ट वाली रिलेशन क्या रिलेशन थी, सम ऑफ रूट किसके बराबर था, माइनस बी बाय ए के बराबर था। अब रूट कौन कौन से थे हमारे पास, अल्फा और बीटा, वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/3, ये हमारा माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 3 + 2/6। हाँ बताओ। ये बुक में मैंने देखा तो बुक में तो ऐसा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू, वो जो बी और ए है ना, वो जो लाइन बीच में आती है उधर दोनों के पास माइनस, और ऊपर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस टू बाई, बुक में ऐसा है। अल्फा बीटा और गामा के लिए मत देखो, वो क्यूबिक है अभी और वो सिलेबस में से बाहर कर दिया है अभी, रिड्यूस सिलेबस में। तो अभी अल्फा बीटा और गामा वाला मत देखो, कोई बात नहीं, अभी डाउट होगा तो निकल जाएगा। अभी आप सिर्फ देखो, 2-3 क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी सिर्फ आप देखते जाओ, 3-4 क्वेश्चन करूंगा और फिर भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे आप फिर से डिस्कस करना, ओके प्रियांशी? हाँ,
आगे जा सकते हैं हम, ये हो गया 5/6 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन क्या था आपके पास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, अल्फा को बीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सी बाय ए के बराबर आता है, सी बाय ए के बराबर आता है। अभी अल्फा कितना है हमारा, 1/2 और बीटा है 1/3, ये हो गया सी बाय ए। अब ये हो गया 1/6 इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू रिलेट कर सकते हो। देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे भी देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, अब ये जो आपने पूरा कुछ जो कुछ भी किया है वो आपका सही है या गलत है वो कैसे आप चेक करोगे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखो लाइन के इस साइड मेरा जो ए का वैल्यू कितना आया, 6 आया, और लाइन के इस साइड भी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। आप देख सकते हो इधर भी ए का वैल्यू 6 आ रहा है और इधर भी ए की वैल्यू 6 आ रही है। जब ऐसा हो रहा हो, दोनों साइड ए की वैल्यू बराबर आ रही हो आपकी, तो समझ जाना है कि जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे अभी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमारे पास 6 आ गई। बी की वैल्यू देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जो बी की वैल्यू है ना, बी के आगे माइनस की साइन है, तो ये माइनस की साइन आप क्या करो, इसको ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, -5। और सी की वैल्यू आप जानते हो कितना आ गया, यहाँ से ले सकते हो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अभी तो आपका पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही जाएगा। क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट था या स्टैंडर्ड फॉर्म था, ax² + bx + c। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6x² - 5x + 1। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो और आप देखना आप प्रैक्टिस करके देखना, जब आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करोगे तो x की पहली वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। आप देखना, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमने कल किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप हमने कैसे आंसर से क्वेश्चन बनाया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। अच्छा, अभी और भी मैं सम ले रहा हूँ, अभी और भी मैं सम ले रहा हूँ सर। इसमें पता कैसे चला कि राइट है यार? हाँ, आप सॉल्व करके देख सकते हो, और ऑलमोस्ट अगर आपकी ए की वैल्यू सेम आ जाए दोनों साइड तो बिल्कुल आपका वो सही ही होता है हमेशा। okay. जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अब अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं हम 3 और बीटा की वैल्यू ले रहे हैं -2। तो पहले हम दो रिलेशन लगाएंगे, हमारा जो मेन गोल रहेगा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी एंड सी, ये हमें फाइंड करना है। पहले हम रिलेशन लगा लेंगे कि हमारे पास क्या थी, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ था, वो -b/a के बराबर आता है, और दूसरी रिलेशन थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a के बराबर होता है। अब सम का मतलब प्लस करना है अल्फा और बीटा का, वो हमारा -b/a के बराबर आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करना है,
वो हमारे सी बाई ए के बराबर आएगा। अल्फा कितना था, 3 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हो गया 6 इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा अभी देखो यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है तो हमें उसको फ्रैक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे 1 रखने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो अभी वैल्यूज़ आपकी मैच हो रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, 1, यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी आई, 1, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, b इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपको c इज इक्वल टू माइनस 6 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस 6, b इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे हम, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 6। क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 1x² माइनस 1x, 1x² माइनस 1x प्लस या माइनस 6, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर ये जो हमें एक ही वैल्यू मींस नहीं मिलती है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो नीचे 1 ही लगा देने का सही। अगर आपका आंसर होल नंबर में आ रहा है, जैसे आपको माइनस बी बाय ए 7/3 मिलगा, मान के चल रहे हैं ऐसा कि माइनस बी बाय ए है वो आपका 7/3 मिल रहा है, तो यहाँ से तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू -7 हो जाएगी, अगर ये माइनस की साइन आप इसको दे देते हो तो। बट ऐसा हुआ, माइनस बी बाय ए है वो आपको 6 मिल रहा है, तो इस वाले केस में आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेना है ताकि ये एकदम फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ से डिसाइड कर लो आप, ओके, ठीक है, जब ऐसा होता है तभी करना है। हाँ बताओ। हाँ मैंने वो पहला वाला सॉल्व किया ना, तो उसमें x इज इक्वल टू 5/6 आ रहा है, उसमें माइनस नहीं आ रहा है, और वो जो दूसरा वाला था ना उसमें माइनस 1 आ रहा है, जबकि 1/2 आना चाहिए। एक बार सॉल्व करा देना। हाँ क्लास खत्म होने के बाद मुझे वो क्वेश्चन भेजो, मैं सॉल्व करा के देता हूँ। कौन सी मेथड से सॉल्व किया? वही कल कराया था ना, स्प्लिटिंग वाली, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अच्छा हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं सर, वो मैंने भेजा था वो भी सॉल्व करते थे। हाँ हाँ अभी आपके बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज ये शायद आपका 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पोलिनोमियल, मुझे याद नहीं 3.1 है या 2.1 है, पोलिनोमियल 2 सेकंड चैप्टर है, आप चेक कर लेना। हाँ सेकंड है तो 2.1 होगा, 2.2 सॉरी 2.1 तो आपका ग्राफ ही है, 2.2 चल रहे हैं अभी। उसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सीधा सम दिया हुआ है किसका, अल्फा और बीटा का, मतलब आपको सम नहीं करना है, सम दिया हुआ है 1/4, आपका काम आसान कर दिया बुक वालों ने। और दूसरे में दिया हुआ है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है अल्फा और इंटू बीटा, कितना
माइनस वन। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों से ए बी और सी फाइंड करना है। तो हम वापस उस मेथड से जाएंगे। सबसे पहले क्या थी हमारे पास, रिलेशन थी दो, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए। बट यहाँ पे तो आपको सम करना नहीं है, सम करके सीधा आंसर दिया हुआ है, मतलब वन बाय फोर ले लेना है आपको, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ डायरेक्ट, वन बाय माइनस वन बाय फोर। अभी अभी जैसे प्रिया राधिका ने पूछा था कि देखो ये वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो हमें इसको सेल्फ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस वन बाय वन, ठीक है। बट अभी भी कुछ गलती आपको शायद दिखने में आई होगी कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो वन आ रही है और यहाँ पे है वो ए की वैल्यू फोर आ रही है, मतलब हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। या फिर अभी भी कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ए की वैल्यू सेम नहीं आएगी हम आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करनी है, दोनों साइड ए की वैल्यू को एडजस्ट करना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि दोनों साइड ए की वैल्यू आपकी सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फोर है तो मेरे पास, मैं एक यहाँ पे आइडिया लगा लेता हूँ इधर, या फिर हम क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिक लगा लेंगे यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये कैसा हो गया, माइनस फोर बाय फोर। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि ए की वैल्यू है वो कैसी हो गई, फोर हो गई। अब ए की वैल्यू है वो दोनों साइड मैच हो रही है, मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ, सी बाय ए इज इक्वल टू माइनस फोर बाय फोर। ए की वैल्यू दोनों साइड मैच कर रही है, अब हम वैल्यू को डिसाइड कर पाएंगे। बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन, ये माइनस को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। तो फाइनली हमारे पास ए आ गया है माइनस, ए आ गया फोर, बी आ गया माइनस वन और सी आ गया है माइनस फोर। क्वेश्चन बना देंगे हम, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस फोर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट, आप देख सकते हो बुक में, अगर आपके पास बुक है तो आप चेक कर आगे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, इसके आगे सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन पे आ जाओगे, आपको आंसर दिया हुआ और क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो भी बुक का ही है। यहाँ पे आपको सम मतलब कि अल्फा और बीटा का आंसर आपको दिया हुआ है, कितना, अंडर रूट टू, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, वन बाई थ्री, राइट। अब वापस हम रिलेशन लिखेंगे, क्या थी रिलेशन हमारी, सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलो या रूट्स बोलो, माइनस बी बाय ए के बराबर आता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलो आप या रूट बोलो, सी बाय ए के बराबर आता है। अब सम तो करके दिया हुआ है, कितना, रूट टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट भी बना के दिया हुआ है, वन बाई थ्री,
इज इक्वल टू सी बाय, वापस इसको सेल्फ एडजस्ट करेंगे हम, रूट टू इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए अपॉन वन कर देंगे। अब देख सकते हो ए की वैल्यू वन आ रही है और ए की वैल्यू थ्री आ रही है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थ्री लाने के लिए इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो अब ये हो गया थ्री रूट टू और यहाँ पे हो गया थ्री। अब वैल्यू आपकी मैच कर दी, देखो ठीक है, यहाँ से वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं हम। ए हो गया आपका थ्री, बी हो गया, बी की साइन ट्रांसफ़र कर दो उधर आप, माइनस थ्री रूट टू, और सी का आंसर आ जाएगा आपका वन। क्वेश्चन बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा कुछ कहीं पे? चलिए फिर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सब लोग सो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। फिफ्थ नंबर करेंगे, तक लाइन मत करो भाई, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मत लिखो, अब इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, मैं भी नहीं हटा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए फिर, आपको सम दिया हुआ है इधर भी जीरो और प्रोडक्ट दिया हुआ है। वन मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे वही कहानी पूरी, सम ऑफ प्रोडक्ट। स्क्रीन बंद हो गया, स्क्रीन बंद हो गई। सर नया लिंक बनाओ, चार ही मिनट बाकी है। सर नया लिंक बनाओ, चार ही मिनट बाकी है। क्या हुआ? चार ही मिनट बाकी अभी तो। चार ही मिनट बाकी अभी तो। हाँ हाँ। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर माइनस बी बाय ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए के बराबर। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सम तो ज़ीरो दिया हुआ है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट दिया हुआ आपको वन इज इक्वल टू सी बाय ए। सेल्फ एडजस्ट करेंगे इसको, ज़ीरो बाय वन इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और यहाँ पे वन बाय वन इज इक्वल टू सी बाय। देख सकते हो वैल्यू मैच कर रही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू, आप माइनस जीरो नहीं लिख सकते, जीरो के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और सी इज इक्वल लिखोगे वन, आपको सी यहाँ से मिल जाएगा और बी यहाँ से। क्वेश्चन बना हमारा वन एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो एक्स प्लस वन, या फिर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो गया वन एक्स स्क्वायर, इसको आप निकाल दो यहाँ से, ज़ीरो है इसीलिए तो प्लस वन। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, अगर आपको वन को नहीं लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, मैं आपको पाँच मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, वापस हम पाँच मिनट के बाद मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर।